तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि UPPSL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म आया है, उसमें क्या है, कंप्यूटर में 20 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, उसमें लिखा तो ज़रूर है कि हम मतलब ट्रिपल सी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रिपल सी लेवल लिया जाएगा नीलेट का, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, दिया गया है मिनिमम कि ट्रिपल सी का क्वेश्चन आएगा उसमें वो लेवल का। ठीक है, तो मैंने उसमें बुक यूथ कॉम्पिटिशन की बुक बता दी थी, वो क्या है, बेसिक है। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो ये आप मान लीजिए कि ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर आपको और, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो नीलेट वाला ही नहीं बनेगा, वो ओ लेवल के क्वेश्चन रखते हैं, तो इसके लिए आपको क्या थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि 20 मार्क्स सिक्योर कर लें, टेंशन ना हो। ठीक है, पता चला आपने वो बुक पढ़ ली और उससे 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही हो पाए, फिर जो टफ क्वेश्चन होंगे वो नहीं सही होंगे। तो इसके लिए मैं दो बुक और बता रह रहा हूँ। देखिए, सिलेक्शन आपको पाना है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बिना पढ़े तो आपका सिलेक्शन होना नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि एक बुक पढ़ ली और उतने में मेरा हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा करने पड़ते हैं और करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन से अच्छा है कि ऑफलाइन ये बुक परचेज़ कर लीजिए और इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। देखिए, ओ लेवल की एक है टी बालाजी की और एक गोल्ड पब्लिकेशन की है, दोनों अच्छी हैं। दोनों में से कोई एक बुक खरीद लीजिए, दोनों को पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक बुक, ठीक है, सही से पढ़ लीजिए, इसके नोट पॉइंट बना लीजिए। ठीक, क्योंकि ट्रिपल सी के जो लेवल से क्वेश्चन होगा वो उतना क्वेश्चन आपको मतलब पेपर में उतना नहीं आ पाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि ये दो बुक में से कोई एक बुक खरीद लो, चाहे टी बालाजी या गोल्ड पब्लिकेशन की, और इनमें से सबके में नोट पॉइंट बना के आप तैयारी करने लगिए। इस लेवल के बाद, ये बुक पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं गलत होगा। लेकिन अगर ट्रिपल सी की बुक लेके आप पढ़ेंगे तो आपका UP SSSC के कुछ जो अदर एग्ज़ाम है वो तो सही हो जाएंगे, लेकिन UPPSL में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको टी बालाजी और गोल्ड पब्लिकेशन को ये बुक पढ़ लेनी है, सही से पढ़ लेनी है, उसके में नोट पॉइंट बना लेना है। समझ लीजिए कि कंप्यूटर में फिर कभी किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि आपको ये सजेशन देना चाहिए, तो इसलिए अब मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।